दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने चोरों के एक ऐसे बड़े गिरोह को पकड़ा है जो सुरंग में रहकर अपनी वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने ऐसे 5 चोर पकड़े हैं जो बहुत ही शातिर तरीके से राजेंद्र नगर इलाके के पूसा इंस्टीट्यूट के पास एक सुरंग में रहते थे और वहीं पर इन्होंने अपना अड्डा बना रखा था। हालांकि ऊपर से देखने पर यह सुरंग खुले मैन होल जैसी लगती थी, लेकिन अंदर उतरने पर और लगभग 20 मीटर चलने पर एक कमरा मिलता था जहां पर बिस्तर भी लगे थे और चोरी का माल यहीं पर छुपाते थे। साथ ही इतना नहीं, रात में सभी लोग मिलकर पार्टी भी करते थे। जाहिर है दोस्तों, जमीन के नीचे इन्होंने अपनी आरामगाह बना रखी थी। 5 चोरों की गिरफ्तारी के बाद जब यह हकीकत सामने आई तो सबके होश उड़ गए। ऊपर से देखने में भले ही यह मैन होल की तरह दिखता हो, लेकिन अंदर उतरने पर और थोड़ी सी दूर चलने पर वहाँ बहुत ही बेहतरीन कमरा इन्होंने बना रखा था। उसके साथ वहाँ बिस्तर लगे थे, चोरी का माल यहीं छुपाते थे और यहीं पर पार्टी भी करते थे। लगातार 3 महीने से ये लोग यहीं पर इस तरह की पार्टियां और स्टे करते थे। गिरफ्तार लोगों की पहचान आनंद पर्वत के फरीदपुर निवासी 22 वर्षीय सूरज के रूप में हुई है। साथ ही 23 वर्षीय अजय, बलजीत नगर निवासी 23 वर्षीय असलम, अमन बिहार के हरी एनक्लेव निवासी जयप्रकाश और इंद्रपुरी निवासी 30 वर्षीय राजेंद्र के तौर पर हुई है। दोस्तों, इन सभी के कब्जे से चोरी के 10 लैपटॉप, 10 मोबाइल और 6 ब्रांडेड घड़ियां भी मिली हैं। और इसके अलावा चोरी के लिए जो तमाम औजार यूज किए जाते हैं वो भी इनके पास थे। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि सिर्फ पटेल नगर में इन्होंने दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि दोस्तों, काफी लंबे समय से पटेल नगर और उसके आसपास के एरियो में चोरी की वारदातें काफी बढ़ गई थी। सीसीटीवी से भी इन चोरों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तब पुलिस ने एसीपी रोहित राजवीर सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। जब तफ्तीश शुरू की गई तो 18 मई को सूरज नाम के एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, जो वेस्ट पटेल नगर के घर से मोबाइल चोरी कर भाग रहा था। जब आईफोन मोबाइल की ट्रेसिंग की गई तो तब पुलिस को पता चला कि ये मामला तो मेलहोन के नीचे बने एक आरामगाह से चलाया जा रहा है। दोस्तों, ये आरामगाह इतनी छुपा के इन लोगों ने बना रखी थी कि किसी को भी इन पर शक नहीं हुआ। पब्लिक मूवमेंट इस तरफ ज्यादा नहीं थी, इसलिए किसी का ध्यान भी इस तरफ नहीं जाता था। जांच में ये भी पता चला है कि एक आरोपी जयप्रकाश, जो ऑटो ड्राइवर है, लेकिन वारदात के वक्त वह अपने जानकारों का ऑटो लेकर आता था, यानी अपना ऑटो वो छुपा देता था और अपने रिलेटिव्स का ऑटो लेकर आता था जिसमें अपने साथियों को बिठा कर वह चोरी की वारदात को अंजाम देता था। और माल हाथ लगते ही वे अपने ठिकाने पे यानी पूसा के पास बना रखी इस टनल में आराम से घुस जाते थे और जमकर मस्ती करते थे। दोस्तों, स्पेशल खबर देश दुनिया की ताजा तरीन और एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट को सबसे पहले आप तक पहुँचाता है, इसलिए अपडेट न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।